वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबों का पॉलिटी फूड में स्वागत है। आज हम हमारे साथ है ऋषभ चंद्रा, जिनका इस बार सिलेक्शन सीयूटी पीजी के माध्यम से जेएनयू में हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिटी फूड की तरफ से आपको ऋषभ ढेर सारी शुभकामनाएं एंड आपको ढेर सारी बधाई इस अचीवमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम आज ऋषभ से बात करेंगे, इनसे इनके स्टडीज को समझने की कोशिश करेंगे, इसके साथ साथ इनकी इस प्रिपरेशन को पूरा करने में, यानी कि अपना इनका जो अपना गोल था, एक सपना था कि मुझे जेएनयू में जाकर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में जाकर हमें अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करनी है, और इसके बाद वो और भी बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाएंगे। तो उनके इस अचीवमेंट में उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही, उन्होंने कैसे उस मुकाम को हासिल करने में कौन कौन से मदद ली है, ये सारी चीजें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऋषभ, वेलकम टू यू एंड आपका विशेष स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सबसे पहले ऋषभ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में बताएं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच थैंक यू टू यू सर फॉर दिस वार्म वेलकम। एंड टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं बेसिकली आई एम बोर्न इन पटना बट ब्रॉट अप इन साउथ इंडिया। मैं पटना से क्लास 4 तक मैंने पढ़ाई की है, फिर मैंने टिल 10th, मतलब 5th से लेकर 10th तक मैंने साउथ इंडिया के बैंगलोर से पढ़ाई किया। फिर 11th 12th आई हैव ट्रैवल टू ट्रिवेंड्रम, वहां से पढ़ाई की। एंड देन नाउ ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लाइक फ्रॉम जेएनयू। सो दिस इज अबाउट माय वाह, बैकग्राउंड एंड यस, बेसिकली आई एम फ्रॉम पटना, डोमिसाइल इज फ्रॉम पटना बिहार। मतलब आपका घर जो एक्चुअली में है वो पटना से है, आपने अपनी बीए की पढ़ाई जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। वेरी गुड। तो सबसे पहले ऋषभ, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपको ये पता चला कि हमारी सिलेक्शन जेएनयू में हो चुकी है सीयूटी पीजी के माध्यम से, तो आपकी फीलिंग क्या थी, और साथ ही में आपके माता पिता का क्या फीलिंग था, थोड़ा तो सा बताने की कोशिश करें। यस श्योर सर, दिस इज अ लिटिल थोड़ा ये फनी भी है। और ये एक्चुअली हुआ क्या कि आई वाज ट्रैवलिंग इन ट्रेन, उसी दिन जैसे रिजल्ट आने वाला था, मैं 2nd of November को रिजल्ट डिक्लेयर होने का ऐसा अनाउंसमेंट हुआ था फॉर जेएनयू। सो उसी दिन मैंने ट्रेन बोर्ड किया था फ्रॉम पटना टू दिल्ली। मैंने सोचा था कि अगर रिजल्ट आएगा देन आई विल बी गोइंग टू जेएनयू, अगर नहीं आता देन आई स्टार्ट माय यूपीएससी प्रिपरेशन, क्योंकि मुझे लगता था उसके बाद एग्जाम के बाद काफी टाइम चला गया था उसमें, तो मैं और लेट नहीं कर सकता था। तो इसीलिए तो मैं ट्रेन पे था, इट वाज अराउंड 12:30 इन द नाइट। जब ट्रेन पे वो बेसिकली सिग्नल मिल नहीं रहा था, मेरे फ्रेंड ने कॉल किया कि रिजल्ट आ चुका है। पूरे दिन वेट करने के बाद फाइनली 12:30 इन द नाइट फिर एक ट्रेन स्टेशन पे रुकी, मैंने उस पर देखा रिजल्ट आया है। बहुत ज्यादा मैं टेंशन में था, रात में सब सो रहे हैं और मैं ऐसे देख रहा हूँ, मेरे को ऐसे टेंशन में था। फिर देखा तो सर उसमें मेरा फर्स्ट जो प्रेफरेंस था, फर्स्ट चॉइस ऑफ कोर्स जो पॉलम है, पॉलिटिकल साइंस, उसमें हो गया था मेरा सिलेक्शन। तो मैं बहुत बहुत खुश था। और वहां पे ऐसा है कि आप जाहिर नहीं कर सकते बिकॉज आपके को पैसेंजर्स वहां पे सो रहे हैं। तो इमीडिएटली, और मैं कॉल भी किसी को नहीं कर पाया बिकॉज 12:30 नाइट में घर वाले को कॉल ऐसा नहीं। तो मैंने एक अच्छा सा टेक्स्ट कर दिया सारे जो मेरे क्लोज थे, जैसे मम्मी पापा भाई और मामा जी लोग जो थे, तो हमें कॉल आया एंड मॉम एंड डैड वेर इन टीयर्स। उनको उनको यकीन नहीं हो रहा था कि फाइनली क्लियर हो चुका था, क्योंकि मेरा सिलेक्शन जामिया में भी हुआ था बट मैं जामिया में नहीं गया था वो मतलब एडमिशन लेने, क्योंकि मेरा था टारगेट सिर्फ जेएनयू था। मुझे लगा था कि इट्स आइदर जेएनयू और यूपीएससी, अगर हुआ तो ठीक है जेएनयू में, नहीं तो फिर यूपीएससी में करूंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी कुछ प्लान नहीं था। तो मॉम एंड डैड वेर ऑल्सो वेटिंग कि होपफुली हो जाए। तो उन्होंने भी काफी देखा था कि मतलब उनकी भी आशा थी, उम्मीद थी कि हो जाना चाहिए। मम्मा वॉज प्रेइंग कि हो जाना चाहिए यार। तो मैं जब बताया तो मॉम एंड डैड बोथ वर इन टीयर्स, दोनों एकदम आंखों में आंसू थे उनके। और मैं उनको काम कर रहा हूँ कि अरे छोटी सी चीज, ज्यादा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपका बेटे ने क्रैक लिया। बट पेरेंट्स के लिए कोई भी चीज जब छोटा है, बेटा या बेटी अचीवमेंट करता है, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है, प्राउड मोमेंट होता है। तो दैट बिल्कुल वाज ऋषभ, बिल्कुल। अगर हम किसी भी मेहनत को सच्ची लगन से करते हैं और वो मुकाम हमें हासिल होते हैं, तो आपसे वो लोग जो उम्मीद रखते हैं उनके आंख में आंसू आ ही जाते हैं। और ये हम पूरी विश्वास से कह सकते हैं कि अगर आपके माँ बाप माता पिता के आंखों में आंसू हो गए, दैट मीन्स कि दे रियली प्राउड ऑफ यू। उनका उनको जरूर आपके ऊपर बहुत ही गर्व होगा। सर। तो इसके साथ साथ मैं फिर से आपको एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन कहता थैंक यू हूँ सर, एंड आपके आगे के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू चलिए सर। और आपसे बात करते हैं कुछ। तो सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को आप ये बताएंगे कि आपने इस मुकाम को हासिल करने में आपने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई, आपकी आपको क्या लगता है कि आप किसी भी स्टूडेंट्स को जेएनयू में सिलेक्शन के लिए उनको कैसे कोशिश करनी चाहिए, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, प्लीज।
जी सर, थोड़ा मैं डिटेल में बोलूंगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रैटेजी, इसी से पूरे आपके डिसाइड होता है सिलेक्शन होगा नहीं होगा। मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था 11 दिसंबर को, डेट मुझे इसलिए याद है क्योंकि 9 दिसंबर 2021 को हमारा DU का 5th सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो गया था। तो 6 महीने उस समय टाइम थे और 6 महीने बहुत होते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो मैंने स्टार्ट किया था December 11 को, उस समय मैंने स्ट्रैटेजी बना ली थी अपने और मैंने प्रिपरेशन 11 से स्टार्ट की थी। सर मेरा बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल साइंस रहा है, मैंने DU से पढ़ाई किया पॉल साइंस में, तो मैं बुक्स पढ़ने पे ज्यादा मतलब रिलाई करता हूँ कि मुझे लगता है कि बुक्स सबको पढ़नी चाहिए। तो मैंने कुछ बुक लिस्ट बनाई थी अपनी, ऑथेंटिक बुक लिस्ट, कि मुझे ये बुक्स पढ़नी है और इस सेक्शन के लिए पढ़नी है। तो मैं उसको थोड़ा डिटेल में बता दूंगा ताकि उससे लोग है जो है वो, और 6 महीने पहले सब लोगों को अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। 6 महीने बहुत ज्यादा होते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बहुत बच्चे 3 महीने में भी क्रैक कर लेते हैं, बट वही है कि वो गाइड वाइड पे है, वो चांस होता है होगा नहीं होगा, बट 6 मंथ आई गेस श्योरिटी हो जाती है। तो उसमें 6-7 सेक्शन थे, उस समय CUET का कुछ रिजल्ट वो नहीं था, CUET बहुत लेट में उन्होंने डिक्लेयर किया था, तो उसमें JNU को मैं टारगेट करके चल रहा था, IRM, PISM एंड पॉल तीनों को मैं क्रैक करने की कोशिश में था। तो उसमें थे फर्स्ट है एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का सेक्शन है, उसके लिए मैंने किताब पढ़ी थी ओपी गावा की, WPT की जो किताब है वो ओपी गावा लिखते हैं, वो पढ़ी थी मैंने, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, क्रिस्प है, इजी है, समझ में आ जाएगा। सेकेंड आता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसके लिए भी मैंने ओपी गावा पढ़ा। फिर थर्ड सेक्शन है पॉलिटिकल थियरी, उसके लिए भी मैंने ओपी गावा पढ़ा। और फोर्थ सेक्शन है हमारा इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा था, बट लक्ष्मीकांत से पहले एक एक यूट्यूब पे एक लेक्चर है सिद्धार्थ अरोरा सर का, वो कुछ 30 घंटे का मैराथन सेशन है, वो मैंने देखा प्रॉपरली, वो बहुत डीप में समझा रहे थे, अनअकैडमी का है वो, उसको मैंने देखा समझा 33 घंटे, 33 आवर्स का था, मैंने उसको 2-3 बार देखा। फिर मैं इंडियन पॉलिटी पे जंप किया, तो उससे मैंने कवर की, और लकीली इस साल के CUET एंट्रेंस में इंडियन पॉलिटी का सेक्शन थोड़ा हेवी था, ज्यादा आया था, डिटेल में आया था, तो वहाँ थोड़ा एडवांटेज मिला मेरे को। फिर मैंने इंटरनेशनल रिलेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसके लिए मैंने जो किताब थी वो है ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय बेली स्मिथ, बहुत अच्छी किताब है, मेरे कोर्स में भी थी, मैंने उसको पढ़ी थी। और उसके अलावा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसको चेंज करके उन लोगों ने पब्लिक पॉलिसी कर दिया, तो वो कुछ नया था, तो उसमें मैंने पॉलिटी हुड के एक लेक्चर देखा था, सर ने लिया था प्रॉपर पूरा पब्लिक पॉलिसी पे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें से वो उन्होंने सर ने कवर किया था, वो मैंने देखा था। और उसके साथ साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐसे कवर नहीं किया था, बस मैंने कुछ स्कीम्स वगैरह जो सर ने बोला था कि याद रखना जो लेटेस्ट में हो रहे हैं, तो वो सब मैंने याद रखा था दिमाग में, और वो लेक्चर मुझे लगता है सफिशियंट था 1 घंटे का, उसमें एक ही क्वेश्चन आए थे पब्लिक पॉलिसी से। पबैड के लिए, अगेन पबैड के लिए मैंने वही बिधु चक्रवर्ती की किताब पढ़ी थी, ये सब मेरे कोर्सेस में थी, तो मैंने सबको पढ़ी थी अच्छे से। और उसके बाद जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसके लिए मैंने पुष्पा सिंह करके किताब है जो DU के लिए लिखती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से लिखती हैं, तो वो बहुत इजी है, वो JC जौहरी से भी ज्यादा इजी है, तो मैंने वो पढ़ा था। तो ये मेरे बुक लिस्ट है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। इंडियन इसमें एक चैप्टर होता है इंडिया मतलब इंडियाज फॉरेन रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, उसके लिए मैंने पॉलिटीवुड के कुछ लेक्चर देखे थे, और मुझे याद है कि उसके MCQ सॉल्व किए थे जो पॉलिटीवुड के, तो उसमें हो गया था। और मैंने कुछ और टेस्ट सीरीज लिए थे और जिसमें ये सब इसके ऊपर सारे MCQ बन चुके थे कि कब वो कौन सा वॉर कब हुआ ऐसे, और यही सब क्वेश्चन भी आए थे। तो उसके लिए इंडिया पाकिस्तान इंडिया यूएस रिलेशन आपको यूट्यूब पे बहुत भरे पड़े हैं लेक्चर्स, आप कोई भी देख लीजिए, कोई सेपरेट किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरी प्रॉपर बुक लिस्ट थी, इन सबको मैंने 3-4 महीने में खत्म कर दिया था। उसके बाद होता है, उसके बाद तुरंत जब आप इसको खत्म कर लें, पहले तो आप बुक पढ़ लें, खत्म करने के बाद आपको MCQ सॉल्व करने हैं। तो MCQ के लिए क्या कर लीजिए कि आप कुछ ज्वाइन करें, मैंने पॉलिटीहुड को ज्वाइन किया था, उसमें क्या होता था डेली बेसिस पे MCQs आते थे, ठीक है, वैसे चैनल्स को आप ज्वाइन कर लीजिए जहां आपको डेली 5-10 MCQ आ रहे हैं, मतलब वो भी PYQs, मतलब वैसे जो ऑलरेडी किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में पूछे जा चुके, तो उससे आप अपना लेवल चेक कर पाया कि मैं कितना सॉल्व कर पा रहा हूँ कितना नहीं कर पा रहा हूँ, वैसे किया। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे वो आप लगाना शुरू करिए, JNU के, DU के, जामिया के, ये सबके 5-5 साल के क्वेश्चन पेपर लगाना शुरू करिए, और प्रॉपरली उसको लगाने के बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको आप प्रॉपरली लिख लीजिए कहीं पे, और लिखने के बाद उसको रिवाइज करिए। तो जब आप एक बार किताब खत्म कर लें प्रॉपर, ये सब किताबें, और एक चीज और है CUET के सबसे बेस्ट बात यह है कि CUET एक सिलेबस देता है आपको, JNU नहीं देता था, JNU बहुत वीक तरीके से लिखता था कि अच्छा ये पढ़ो, CUET में लिखा है कि अगर पॉलिटिकल थियरी है तो क्या पढ़ना है, जो उसमें क्या क्या आता है, जस्टिस पढ़ना है, राइट्स पढ़ना है, इक्वालिटी पढ़ना है। तो CUET के सिलेबस को एकदम सामने ऐसे स्टडी टेबल पे रखिए,
उसको बार बार देखिए, सिलेबस से बाहर कुछ मत पढ़िए। भले दो तीन क्वेश्चन आएंगे, वो हर एग्जाम में आते हैं, लेकिन आपको सिलेबस को एकदम ध्यान में रखना है। सिलेबस का देखिए, उसको देखने के बाद उसमें जो टॉपिक्स है उसको, जो मैंने बुक्स बताया उससे कवर करिए। मान लीजिए कि आप थोड़ा लेट रन कर रहे हैं, आप 3-4 महीने पहले आप स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो कोई वीडियो देख रहे हैं और 3-4 महीने पहले हैं, तो उसमें आप किताब तो पढ़ नहीं पाएंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सुब्रा रंजन मैम के नोट्स उठा लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। किताब जितना मैंने बताया उसको साइड करिए, नोट्स उठाइए, उसको पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए, उसके तुरंत बाद एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करिए, अच्छे एमसीक्यूज। उसके लिए चैनल्स ज्वाइन कर लीजिए, जैसे मैंने क्वालिटीहुड ज्वाइन किया और बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि बहुत अच्छे कराते हैं, आप उसको ज्वाइन करिए, डेली बेसिस पे करते रहिए। जो नहीं आए उसको लिख लीजिए कहीं पे, उसको रिवाइज करिए। नहीं आया, अगर कुछ नहीं है और डाउट है तो सर से पूछे। सर मैं बहुत पूछता रहता था कि सर ये क्या है कॉन्सेप्ट, इसका क्या होगा, इंडियन पॉलिटी में कुछ सवाल पूछती है सर से, तो मैं इस तरह से करिएगा तो आई गेस चीजें आसान। बिल्कुल ऋषभ, तो अगर ऋषभ की बात माना जाए तो रीडिंग मटेरियल्स जो होने चाहिए आपके एक सिलेक्टेड होने चाहिए। उसके साथ साथ बोलते हैं, बोला जाता है प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। आप जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ज्यादा आप मजबूत हो जाओगे, उतना ज्यादा आप निखरोगे। तो हमें प्रयास और साथ में प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। ऋषभ, अगर आपसे पूछे कि आपके प्रिपरेशन में जो टफेस्ट पार्ट थी वो कौन से थे, आपको किस कौन सा एक ऐसी पार्ट थे जो आपको चैलेंजेबल लगते थे? सर मेरा शुरू से ऐसा रहा है कि मेरा आईआर के प्रति जो मेरा रुझान है वो थोड़ा कम रहा है। मतलब ये बहुत ही अजीब चीज है, सब लोगों को आईआर बहुत पसंद होता है, बट मेरा थोड़ा था कि शुरू से ही मैं आईआर पे ज्यादा फोकस किया नहीं था। तो जब मैं आईआर के मतलब चीजें पढ़ता था, इंटरनेशनल रिलेशन, उसे क्वेश्चन सॉल्व करने मुझे थोड़ा डिफिकल्टीज होता था वहां पे। तो टफेस्ट पार्ट एज एन मेरा आईआर थोड़ा पोर्शन था, मुझे टफ लगता था। मुझे लगता था आईआर और पैपैट थोड़ा, मुझे पता नहीं वो पोर्शन मुझे टफ लगता था क्योंकि और इसके क्वेश्चंस बहुत आते थे तो मुझे वही लगा। फिर मैंने क्या किया था कि मैंने प्रॉपरली अपने बुक को पढ़ा था, वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय बेरी स्मिथ, उसको मैंने जब पढ़ा क्योंकि वो मेरा कोर्स में था तो उसको तो पढ़ना मुझे तय था, तो मैंने उसको अच्छे से पढ़ा। पढ़ने के बाद जब मैं लगाना शुरू किया एमसीक्यूज ना, तो मैंने देखा कि एमसीक्यूज बहुत रिपीट होते हैं, तो जो एमसीक्यू नहीं आ रहे थे उसको मैं लिख लेता था, उसको लिखने के बाद मैं उसको फिर से याद करता था, तो वही एमसीक्यू। तो सबसे टफेस्ट बात मेरा आईआर था, उसको मैंने वीडियो लेक्चर्स जो यूट्यूब पे बहुत आईआर के तो वीडियो लेक्चर्स भरे हुए हैं, कुछ भी चीजें उठा लीजिए यूएनओ के बारे में आपको 50 लेक्चर मिल जाएंगे। वहां से मैंने पहले क्लियर किया, किताब से कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ऑब्जेक्टिव जो चीजें थी यूएनओ की या फिर इसका जो भी आईआर में था उन सबको लिख लिया। रियलिज्म क्या होता है, मैंने बहुत सवाल सर से पूछे कि सर रियलिज्म और नियो रियलिज्म क्या फर्क है, ऐसे सवाल आते रहते थे दिमाग में, तो मैं चाहता था कि उसको क्लियर कर लूं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने से चीज हो जाएगा। तो टफेस्ट पार्ट मेरे लिए वो आईआर का सेक्शन था, उसमें थोड़ा मैंने मेहनत किया तो सर आई थिंक वो इजी हो गया था फिर बाद में। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो आपने इसको गेट ओवर करने के लिए बुक्स, अलग अलग बुक्स को पढ़े, साथ ही में क्विजेज अटेम्प्ट किए, पीवाईक्यूज अटेम्प्ट किए। तो अब नेक्स्ट हम इस सवाल पे आते हैं कि आपके सामने पॉलिटीहुड जैसा इंस्टीट्यूशन, ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन जो था, आपके सामने फर्स्ट टाइम था, तो क्या आपको पॉलिटीहुड ज्वाइन करने में कोई झिझक थी, या आपको कुछ ऐसा लगा कि ये कौन सा नई इंस्टीट्यूट है, हमें क्या प्रोवाइड करेगा, आपके मन में क्या चल रही थी उस समय? सो पॉलिटीहुड बेसिकली मैंने ज्वाइन किया था आफ्टर माय जामिया एग्जाम, इट वाज इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई में ऐसे मैंने ज्वाइन किया था। पॉलिटीहुड ज्वाइन करते समय मैं झिझक सबके मन में होती है, मैं किसी ग्रुप पे था, वन सेकंड सर, जस्ट वन हेलो हेलो सर, अभी हाँ वॉइस आ रही है जी सर, हाँ अभी आ रही है। सो बेसिकली यस सर, सो बेसिकली सर वॉइस आपकी इको कर रही, हाँ अब ठीक है। सो बेसिकली सर पॉलिटीहुड के लिए मुझे याद है कि मैं एक किसी ग्रुप पे था, उस पे इसका एक लिंक आया था पॉलिटीहुड चैनल के लिए, तो मैंने ज्वाइन किया। वहां पे ना वो चैनल जो था वो पब्लिक चैनल था और उस पे 4-5 डेली एमसीक्यू आते थे, तो मैं पहले उसको देखा कि कैसे एमसीक्यूज हैं, अच्छे एमसीक्यू है या नहीं है। फिर मैंने देखा कि जितने भी एमसीक्यू हैं सारे मैंने पीवाईक्यू में सॉल्व किए हुए हैं, तो मुझे लगा कि अब तब तो ये अच्छी बात है कि मतलब जितने भी एमसीक्यू जो आ रहे हैं वो सारे जो पीवाईक्यू में सॉल्व है ना वो एमसीक्यू है, तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे मेरी रिविजन हो जाएगी। अगर मैं डेली बेसिस पे 10-12 एमसीक्यू सॉल्व करता हूँ पॉलिटीहुड से, तो उससे क्या होता है कि वो रिविजन हो जाएगा। तो फिर मैंने पेड ग्रुप इसका ज्वाइन किया और पेड ग्रुप ज्वाइन करने पे मुझे डेली बेसिस पे 15-20 एमसीक्यू आते थे, और उसके साथ साथ मुझे टेस्ट सीरीज भी मिला था जो कि
जो CUET पीजे के लिए सर ने बनाया था, और सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज मैं बोलूंगा उसके लिए, उस वो टेस्ट सीरीज इतना अच्छा था, मुझे लगता है कि उसमें मैंने मतलब पूरे उस पेड ग्रुप में जो MCQs थे वो नहीं भी तो 2000 प्लस MCQs थे, मैं पूरा शुरू से सॉल्व किया। फेब्रुअरी से जो MCQ आ रहा है उस फेब्रुअरी में वो मैंने देखा सर ने उसमें बीच बीच में टेस्ट भी डाल रखा है, मतलब वो क्विज बोर्ड पे जो 10 10 10 15 15 क्वेश्चन का जो टेस्ट होता है तो वो भी मैंने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद मैं शुरू से सारा MCQ सॉल्व किया पेड ग्रुप का, फिर मैंने इसका टेस्ट सीरीज दिया जो सर ने टीचमेंट करके ऐप है उस पे सर ने टेस्ट सीरीज डाला था, 5 या 6 टेस्ट सीरीज थे, मैंने सबको दिया। शुरू में मार्क्स थोड़े क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान थोड़े मार्क्स लो आ रहे थे, बट स्लोली आई गेस वो MCQ सॉल्व करने से इतना रिपीट होने पे इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में था कि उसके बाद फिर बाद में MCQ बाद में मार्क्स अच्छे आने लग गए। तो मुझे तो नहीं लगा सर, मुझे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे भी नहीं लगा इसको ट्रस्ट करते हुए, क्योंकि मुझे पता था कि जो MCQ मुझे मिल रहे हैं वो ऑलरेडी PYQs में है, वो इतने इंपॉर्टेंट है, नेट GRF के MCQ आ रहे हैं, तो वो और बहुत अच्छी चीज थी सर। उससे क्या होता, और सबसे बेस्ट बात इसकी ये है कि MCQ अगर आप डेली लगाते हैं तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं भी हैं, आप बस मोबाइल निकालिए, इतना इजी हो गया है, आप निकालिए, आप रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहे हैं 1 घंटे ट्रेन का, आप जाइए, आप सारे MCQ लगा लीजिए और वहीं पे आपको आंसर दिख जाएगा, अगर वो मतलब उस टेलीग्राम ग्रुप में कि आपका सही है गलत है, जो गलत है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही है उसका। तो मुझे एक समय भी नहीं लगा और कि मतलब ट्रस्ट करने में कोई दिक्कत है। मैं तो सबको रिकमेंड करना चाहूंगा बकायदा कि बहुत ही मिनिमम प्राइस पे सर इस ग्रुप को चलाते हैं ताकि जो नीचे तबके के जो बच्चे हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड से हैं, उनको भी कोई किसी तरह का डिफिकल्टीज ना हो JNU या फिर DU या जामिया जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और ज्यादा पैसे भी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सर वहां पे, और उसमें पेड ग्रुप में मुझे ऑनलाइन लेक्चर्स भी मिलते थे टीचमेंट पे, जैसे मैंने पब्लिक पॉलिसी के बारे में बोला, IR के बारे में बोला, तो ये 1-1 घंटे के लेक्चर थे आशीष सर का एंड अनु मैम का, उनका लेक्चर्स होते रहते थे। कुछ मैंने बहुत लेक्चर्स अटेंड नहीं किए थे, बट जो 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 वीक जो सेक्शन मेरा पुअर था, जैसे पब्लिक पॉलिसी पहली बार आया था, IR मेरा पुअर था, उसका मैंने लेक्चर्स अटेंड किया था ताकि मेरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो लेक्चर्स और MCQ बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहे और कभी डाउट नहीं हुआ इस प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल ऋषभ, बिल्कुल। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि पॉलिटीहुड आपको जो भी चीजें प्रोवाइड करती है उसकी क्वालिटी कैसी होती है? जी सर, क्वालिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं वही कहूंगा कि जो पॉलिटीहुड देती है, खास करके लेट मी टॉक अबाउट द क्विजेस देती है CUET के या फिर NET JRF के, जो वो टेस्ट सीरीज निकालती है, उसकी क्वालिटी पे कभी आपको शक नहीं होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस वो दे रही हैं वो ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, वो ऑलरेडी उसमें उसका एक्सप्लेनेशन जो सब आंसर्स के जो मिलते हैं, जो आप गलतियां करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन जो टीचमेंट पे आता है वो बहुत ही क्रिस्प होता है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो मुझे नहीं लगता ये कभी किसी को क्वालिटी पे दिक्कत आएगी, क्योंकि वो सारे MCQs ऑलरेडी कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। तो एक वो है ना कि MCQ वाले एग्जाम में अगर जितना ज्यादा आप MCQ प्रैक्टिस करिएगा उतना ही ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि उस एग्जाम को आप क्रैक कर लीजिएगा। यहाँ डिस्क्रिप्टिव नहीं है कि आपको लिखना है, यहाँ बस आपको दिमाग लगाना है, 4 ऑप्शन में एक सही बताना है और आपको फिर वो आपका मार्क्स मिलेगा। तो उसके लिए बस एक ही चीज है कि प्रैक्टिस आप करिए जितना ज्यादा MCQ, जैसे मैंने बोला मैं जब ज्वाइन किया था उसमें 2000 ऑलरेडी MCQ थे ऑलरेडी उस ग्रुप की, वो ग्रुप और पहले से चलता आ रहा था, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था ऑलरेडी, मैंने सुबह शुरू से लेके लास्ट तक मैंने सारा का सारा वो मैंने सॉल्व किया, उसको मैंने लिखा, मुझे पता था कि ये लास्ट में एकदम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको जितना ज्यादा सॉल्व करूंगा MCQ को और उतना ही बेहतर रहेगा। तो क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है, वो PYQ क्वेश्चंस हैं और कहीं ना कहीं BHU में जामिया JNU वहां वहां क्वेश्चंस वो पूछे गए हैं, वहां से सर पिक करते हैं और उसके बाद उसको देते हैं ताकि आपका ओवरऑल रिविजन हो जाए। तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने लेट्स से कि BHU का सॉल्व नहीं कर पाया है, बट अगर वो पॉलिटीहुड के MCQs और फिर उसके टेस्ट सीरीज लगाता है तो वहां पे तो वो सर जो दे रहे हैं क्वेश्चंस वो BHU से भी दे रहे हैं वहां पे, तो एक तरह से वहां भी उसका सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कुछ उसमें डाउट होना चाहिए, क्वालिटी वाइज इट्स वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बिल्कुल ऋषभ, हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हम अपने स्टूडेंट्स को इतनी बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सके कि उन्हें इधर उधर जाना ना पड़े, दैट मीन्स कि वन प्लेटफॉर्म पे उनको फुल प्रिपरेशन मिल सके, है ना। तो ये और इसी का मुझे लगता है रिजल्ट है, आप सबों का मेहनत का रिजल्ट है कि इस बार आप लोग साथ में पॉलिटीहुड से टोटल 8 स्टूडेंट्स साथ में पढ़ने जा रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड न्यूज एंड आई होप आप सभी अपने फ्यूचर में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे और अपने माता पिता का नाम, अपने देश का नाम जरूर रोशन करेंगे, है ना। तो मैं ऋषभ से अंतिम बार पूछना चाहूंगा, लास्ट सवाल में, ऋषभ आपकी आगे की प्लान क्या है, आप
इन फ्यूचर क्या करना चाहते हैं? सर मेरा ऐसे जैसे मैंने बताया कि मेरा जब मास्टर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा ये था कि जेएनयू नहीं हुआ तो मैं यूपीएससी करूंगा, तो अभी की सिंस हो गया है जेएनयू लकीली विद गॉड ग्रेस कि जेएनयू में सिलेक्शन हो चुका है, तो मैं अभी मास्टर्स की पढ़ाई बहुत अच्छे से करूंगा। और मैं अभी ये मतलब दो चीज मेरे दिमाग में चल रही है, एक है कि मुझे लग मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं नेट जेआरएफ क्लियर करूँ, क्योंकि अभी क्या है कि मास्टर्स के प्रिपरेशन के दौरान जो नेट जेआरएफ का पेपर टू जो होता है पॉल साइंस का, उसमें काफी चीजें कवर हमने कर ली है, तो मुझे लगता है कि वो पेपर इजी हो जाएगा पेपर टू, और सिर्फ पेपर वन के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो नेट जेआरएफ एक दिमाग में है, वैसे अल्टीमेट गोल मेरा यूपीएससी है। अभी दो साल के लिए तो मैं यूपीएससी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जेएनयू का जो कोर्स है वो हेक्टिक होता है, उसमें बैलेंस दोनों हो नहीं पाएगा और दोनों के साथ मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं यूपीएससी भी साथ में कर रहा हूँ और एमए भी पढ़ रहा हूँ तो दोनों के साथ इनजस्टिस होगा, तो मैं प्रॉपरली अभी मास्टर्स करूंगा, उसी में मैं नेट जेआरएफ की तैयारी करूंगा, इसलिए क्योंकि पहले से ही पेपर टू की तैयारी हो चुकी है तो ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। फिर मास्टर्स होने के बाद सर मैं एब्सोल्युटली आई एम श्योर कि मुझे यूपीएससी में जाना है, तो उसी की तैयारी में पूरा मैं टाइम दूंगा ताकि मैं उस पे सफलता हासिल करूं। बिल्कुल ऋषभ, आपको अपनी मेहनत पर विश्वास होनी चाहिए, आपको अपनी लगन पर विश्वास होनी चाहिए, आपको अपनी खुद के ऊपर विश्वास होनी चाहिए और साथ में एक ऐसे गुरु का हाथ थामना चाहिए जो आपको सही मार्ग दिखा सके, सही डायरेक्शन दिखा सके। फिर चाहे आप किसी भी गोल को, किसी भी लक्ष्य को इस दुनिया में प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है ना। तो यही सारी ढेर सारी विशेष के साथ हमारी ओर से, आशीष सर की ओर से, अनु मैम की ओर से, पूरी पॉलिटीहुड टीम की ओर से आपको ढेर सारी बधाई एंड आई होप आप अपने फ्यूचर में बहुत अच्छे करेंगे। हम अपने व्यूअर्स को ये बता दें कि पॉलिटीहुड एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जो आपको सीयूटी पीजी की कोर्स प्रोवाइड करता है, टीजीटी पीजीटी, इसके साथ साथ यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करवाता है अगर आप पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हो। तो आप भी इन रिसर्च के जैसे आप भी जेएनयू में बैठकर पढ़ाई कर सकते हो और अपनी सपनों को साकार कर सकते हो। और साथ ही में एक और बात बता दूं कि इस बार पॉलिटीहुड से टोटल 14 स्टूडेंट्स का यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर हुआ है, जिसमें से 4 स्टूडेंट्स का जेआरएफ है, यानी कि वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप अब प्राप्त करेंगे, जो मैक्सिमम लोगों का, बहुत सारे लोगों का सपना होता है। तो इन सारी विशेष के साथ और इस सब आपको इन फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खुश रहें, मस्त रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। ऋषभ थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल्सो लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे जितना रोल मतलब मेरे प्रिपरेशन के दौरान आशीष सर का रहा है, मुझे लगता है कि आई शुड टेक एक्स्ट्रा टाइम एंड आई शुड थैंक हिम फॉर ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा सर को पेस्टर करता था, सर ये डाउट आ गया, सर ये डाउट आ गया, सर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, सर डर लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं नॉन अकेडमिक चीजें भी बहुत पूछता था कि सर मेरा एग्जाम है कल, मुझे बहुत डर लग रहा है, सर प्लीज बताइए। तो सर वो गुड मेंटोर, मतलब वो काफी हेल्प करते थे। एंड मैंने पहले भी ये चीज बोली है कि सर इज आशीष सर विल नॉट बी लाइक अ टीचर, ऐसा करके वो आपके एकदम ऐसे बड़े भाई की तरह रहेंगे एंड ही विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। मुझे याद है कि जब सीयूटी पीजी एग्जाम था तो मुझे पता था कि ये मेरे लिए थोड़ा मतलब थोड़ा बड़ा एग्जाम है, तो मैं काफी डर रहा था, तो मैंने सर को बोला कि सर मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कल क्या होगा, होगा नहीं होगा। तो वो चीज होती है कि एज अ मेंटर सर वाज विथ मी, सर मोटिवेटेड मी कि नहीं अच्छा होगा, तुमने मेहनत किया है, तुम अच्छे से जाओ, माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा साथ है, आप अच्छे से जाओ करो ऐसे करके। तो वही है, तो वो मैं ये चीज मैं जरूर इस पे लाना चाहूंगा कि एज ए मेंटर का भी कितना बड़ा रोल होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जब स्टूडेंट बैठते हैं तो उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि वो मेंटर उनका अच्छा हो, जैसे कि वो जो एकेडमिक बातें तो बताएं ही, साथ साथ में नॉन एकेडमिक चीजें जो होता है, जैसे कि थोड़ा कभी कभी फियर हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाता है एग्जाम को लेके, स्ट्रेस हो जाता है, तो उन पे भी वो हेल्प करे। तो इसलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं हमेशा से ये मतलब मानता हूँ कि मेरे लाइफ में बहुत यू नो एंग्जाइटी एंड फियर हमेशा आते रहते हैं, तो मुझे हमेशा एक मेंटर की हमेशा से जरूरत पड़ती है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग दैट मेंटर टू मी, हु हेल्प मी सो मच, मुझे बहुत बहुत मदद मिली उससे। एकेडमी लेक्चर्स तो आपके अच्छे थे बट एज अ गाइडेंस आपने काफी अच्छा हमें प्रोवाइड किया था एंड वो काफी काम आया, क्योंकि सीयूईटी में मुझे पता है कि एक एमसीक्यू सॉल्व नहीं करने से शायद आपका सिलेक्शन जेएनयू में हो ना हो, उस समय आपको बहुत ही काम कूल रह के अपने एंग्जाइटी वगैरह को ओवरकम करके आपको एग्जाम देना है, तो उसमें आपका बहुत बहुत योगदान था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको। बिल्कुल ऋषभ, थैंक यू सो मच आपके इन प्यारे शब्दों के लिए और साथ ही में हमारे विशेष, अनु मैम के विशेष और पूरे पॉलिटीहुड टीम के विशेष आप सबों के साथ हमेशा बना रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।